वास्तु सम्मत विधि निषेध का वर्णाश्रम की सीमा में अनुपालन उसी से वासना का संकोच होता है। अनात्मकाम आत्मकाम आप्तकाम, शंकराचार्य जी ने भाष्य में तीन शब्दों का प्रयोग किया है। अनात्म वस्तुओं की इच्छा रखने वाला अनात्मकाम मोक्ष जो होता है और रुक्ष आत्मकाम होता है। और रुक्षोर मुनियोगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़ से तस्व समक कारण उच्यते। मोक्ष और तत्व जो होते हैं आप्त काम होते हैं, आप्त काम से का स्प्रिया मांडुक कार्य का विधि निषेध की सीमा में काम करने पर व्यक्ति की वासना शिथिल होती है। पूर्ण रूप से तो परमात्मा तत्व का अधिगम होने पर भी वासना का बीज जो अज्ञान है उसका उच्छेद होता है। सुसुप्ति अवस्था में द्वंद्व और दुख की पहुंच समाप्त तक नहीं है। द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति आमिति पर्यंत है। आमिचा प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद हम सो जाता है तो द्वंद्व और दुख की पहुंच हम तक नहीं होती है। लेकिन द्वंद्व और दुख की बीजावस्था ज्ञान सुसुप्ति में विशेष रहता है। भगवद गीता के चौथे अध्याय के अनुसार उस अज्ञान को तत्व ज्ञान से भून डालने की भावना से भावित होकर जीवन में व्यवहार करें। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने और शांत करने की भावना से जो कर्म करते हैं और रुक्ष कर्तिक व कर्म है। जैसे पायलट होता है यान का, हेलीकॉप्टर का, कुछ समय वो यान को पृथ्वी पर चलाता है। यद्यपि नभोमंडल से यात्रा करनी है उसे, लेकिन पृथ्वी को छोड़ने के उपयुक्त बल और वेग यान को प्राप्त हो इसलिए पृथ्वी पर यान को चलाता है। कर्म करने के दो विधा है। कर्म के गर्भ से कर्म की वासना ही पनपती जाए संसारियों की। जो हर वृक्ष होते हैं तो कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म का वेग और कर्म की वासना को शांत करने की भावना से उनके कर्म का उपयोग हो जाता है अकर्म में, भविष्य में कालांतर में।